महाराष्ट्र में रातों रात सरकार बनाने वाली बीजेपी को आखिर मैदान छोड़ना पड़ गया। शरद पवार के पावर के आगे बीजेपी को पीछे हटना पड़ा और अब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। इसके पहले विधानसभा के विशेष सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान कई रोचक तस्वीरें भी देखने को मिली। पार्टी की सुप्रिया सुले ने सभी विधायकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। खासतौर से अजित पवार को उन्होंने गले लगाया और उनके पैर छुए। कुल जमा एक तरह से महाराष्ट्र में एक महीने से चल रहे सियासी घमासान का फिलवक्त तो पटाक्षेप हो गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि एक दूसरे के धुर विरोधी रहे शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की ये तिकड़ी किस तरह जनाकांक्षाओं पर खरा उतरती है। हालांकि दावे तो 5 साल सरकार चलाने के किए जा रहे हैं। वो मिशन पूरा हो गया। मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि हमारा सूर्ययान मंत्रालय के 6ठे मंजिल पर सेफली लैंड करेगा। ये मैंने कहा था, तब लोग मुझ पर हंस रहे थे, चेष्टा कर रहे थे, लेकिन हमारा सूर्ययान एकदम सेफली लैंडिंग उसका 6ठे मंजिल पर मंत्रालय पर हो गया है। और ये सूर्ययान अगर आने वाले समय में दिल्ली में भी उतरे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। आइए जानते हैं अभी तक का घटनाक्रम। 50-50 के फार्मूले पर अड़ी शिवसेना की जिद से बीजेपी और शिवसेना में दरार आई। शिवसेना ने एनसीपी का दामन थामा। सरकार बनाने को लेकर चिंतन मंथन का लंबा दौर चला। रातों रात राष्ट्रपति शासन हटा। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को साथ लेकर सरकार बना दी। 78 घंटों में ही पासा पलटा और एनसीपी ने दावा ठोक दिया। बैकफुट पर आई बीजेपी और फडणवीस ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस विधायकों ने उद्धव ठाकरे को नेता चुना विधायक दल का। विधानसभा के विशेष सत्र में विधायकों ने शपथ ली और कल उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे। कुल जमा देखा जाए तो अंदर खाने खबर है। शरद पवार के लंबे राजनीतिक अनुभव के आगे उनके भतीजे अजित पवार को नतमस्तक होना पड़ा और परिवार के दबाव के आगे वो टिक नहीं पाए। इधर फडणवीस पर भरोसा बीजेपी को भारी पड़ गया। इस पूरे ही घटनाक्रम में शिवसेना की जिद की जीत हुई और बीजेपी की किरकिरी। बहरहाल देखना यह होगा अब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की ये तिकड़ी किस तरह सरकार चलाती है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है ठाकरे राज। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि जब नाम चल सकता था बाला साहब ठाकरे का जब नाम चला करता था तो यह कहा जाता था कि बाला साहब के बिना महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ठाकरे साहब के समय से ही शिवसेना ने सरकार बनाई और एक बार फिर पुनरावृत्ति हो रही है और अब सरकार में उद्धव ठाकरे होंगे, यानी ठाकरे परिवार का पहला कोई व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में अब राज ठाकरे राज होगा। लेकिन ठाकरे राज को यदि हम देख लें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सबसे बड़ा सदमा होगा। अभी तक जो चुनाव का रथ आगे बढ़ाता, जो जीत का रथ आगे बढ़ाता, जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिला करता था, लेकिन इस बार लगता है कि ये जोड़ी कहीं गलती कर गई और यहाँ बाजी मार गए पवार साहब। शरद पवार चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, लेकिन अपनी चाणक्य की जाल में ऐसा फंसाया भारतीय जनता पार्टी को, समझ भी नहीं पाई क्या से क्या हो गया। एक तरह से कहा जाए तो परिवारवाद हावी हो गया भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सामने। शरद पवार ने अजित पवार को भी इस्तेमाल कर लिया, अजित पवार वापस भी लौट गए और आज उन्होंने कह भी दिया कि एनसीपी के साथ था, एनसीपी के साथ हूँ और एनसीपी के साथ रहूंगा। तो सबसे बड़ा किसी का नुकसान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका देश भर में 70% जगह राज हो गया था, लेकिन धीरे धीरे कर 4 बड़े राज तो इसी साल गंवा दिए। चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की, और अब महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या हुआ वो भी आपने देखा। तो क्या ये माना जाए कहीं लगातार गलतियां हो रही है या अति उत्साह है इसका कारण बनना। चलिए आज यही मुद्दा है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े, रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, लंबा अनुभव है आपके पास, भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा है और तमाम सारी पार्टियों को आपने देखा, आरएसएस को भी बहुत अच्छे से समझा, और आरएसएस का गढ़ है महाराष्ट्र, नागपुर से बहुत कम दूरी है मुंबई की जहां से सरकार चलती थी, लेकिन अब तो गढ़ भी नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी। स्वाभाविक रूप से वाकई ये भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हुई है।
और उन्होंने इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी इसमें दिखाई है, उसका नुकसान उनको हुआ है। ये इसको दो ही में से कोई एक बात है, या तो अजीत पवार के प्रति देवेंद्र फडणवीस जी का जो अति विश्वास था उसका दुरुपयोग हुआ, या शरद पवार जी की भी अपनी कोई रणनीति हो सकती है। यदि अजीत पवार ना जाते भाजपा के साथ और वो शपथ ना लेते तो इन तीनों का गठबंधन इतने जल्दी नहीं बनता। और उसका एक कारण क्या था कि कांग्रेस भी थोड़ा सा शिवसेना को लेकर के हिच कर रही थी और शिवसेना भी अपनी कुछ शर्तें उनके ऊपर बना रही थी, तो दोनों के अंदर एक बात थी और जल्दी जो करना चाहती थी वो शरद पवार वाली कांग्रेस करना चाहती थी। इसलिए खुद रह कर के सोनिया जी से भी दो बार तीन बार मुलाकात उनकी हुई और शरद पवार से अपना उद्धव ठाकरे से भी उनकी मुलाकात हुई। तो ऐसी स्थिति में अगर ये घटनाक्रम नहीं घटता और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ न लेते, आप ये देखिए कि सिंगल आदमी ने शपथ ली है और फिर वो जो उन्होंने लेटर दिया वो एक दिन पुराना सबके हस्ताक्षर वाला था, तो मैं समझता हूँ ये देवेंद्र फडणवीस की नादानी और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर हाईकमान का जो जरूरत से ज्यादा भरोसा है उसके कारण ये हुआ। और मुझे कई वक्त ये खटकना ही चाहिए था, बहुत अनुभवी हैं नितिन गडकरी जी और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, कि आखिर आधी रात को ब्रह्म मुहूर्त में राष्ट्रपति शासन भंग करने की सिफारिश और 8 बजे बिना किसी को सूचना के शपथ, और उनको कहना था कि अगर बहुमत है तो सबके साथ भरे। तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में भी मुहूर्त नहीं था? ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में तो जो हो जाता है वो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त ही बिगड़ गया। निश्चित रूप से उन्होंने सारा बिगाड़ दिया। ये खेल जो है ये देवेंद्र फडणवीस की नादानी की वजह से हुआ और इसमें भाजपा को अब भारी राजनीतिक नुकसान होने वाला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आने वाले दिनों में अब चुनाव भी, एक चुनाव का हम देख रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी सभाएं ले रहे हैं झारखंड की, और झारखंड के चुनाव से पहले एक बड़ा सदमा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये जो स्थितियां बनी हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि कहीं गलती तो हुई, लेकिन इतने बड़े चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, ये कहा जाता है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करते हैं, तो वास्तव में अति आत्मविश्वास की बात है इसमें, या एक गलती कर बैठे, कहीं ना कहीं एक चूक तो हुई है? देखिए ये तो इसमें दोनों चीज है, गलती भी कर बैठे और अति विश्वास भी है। देवेंद्र फडणवीस का जिस तरीके से उन्होंने भरोसा किया, ये दोनों कारणों से उनको भारी नुकसान हुआ। और इसका असर आप देखिए कि झारखंड के चुनाव पर भी होगा और पार्टी की साख पर जो धक्का लगा है ये मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये भरपाई होगी। इससे अच्छा ये होता कि भाजपा ने जैसा कि तय किया था कि उन्होंने साफ कहा था कि हमारा बहुमत नहीं है और विपक्ष में बैठते, विपक्ष में बैठ करके लोगों के बीच में अपनी इमेज बनाते। सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना का जो हो जाता अगले चुनाव में किसी चुनाव में, लेकिन अब उल्टा होगा, शिवसेना के बजाय भाजपा के नुकसान होने का खतरा ज्यादा हो गया। बिल्कुल प्रदीप जी, ये जिस तरह से रमेश जी कह रहे हैं कि शिवसेना का नुकसान पहले ज्यादा होता, लेकिन अब ये देखिए जब सत्ता आ जाती है तो आपके पास बहुत पावर भी होते हैं और करने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब आप सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो सब कुछ आपकी सारी चाबियां आपके पास होती है। तो ये जो चाबी शिवसेना के पास आ गई है, हालांकि लगातार वो कहते रहते कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, और हमें लगता है वो अपना जो उन्होंने कहा उसमें वो सफल भी रहे। कैसे सफल हुए हम सब देख रहे हैं, गलती किसकी हुई, चूक किसकी हुई, भाग्य ने भी साथ दिया। पर क्या आपको लग रहा है कि ये तीन लोगों की जो पार्टी है आगे चलकर लगातार जिस तरह से अभी उत्साह नजर आ रहा है, मोदी के रथ को रोकने के लिए आगे तक साथ चलते रहे? मनोज जी, महाराष्ट्र की आप परिदृश्य को अगर देखें तो अभी तो परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गए हैं, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ने भरपूर कोशिश की महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए, विधायकों को साथ लाने के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नाकाम रही। और ये सबसे बड़ा अनुभव पवार जी का था, क्योंकि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में बड़ा उनका योगदान रहा। वहाँ जब कांग्रेस से वो अलग हुए तो बड़े मुखर होकर महाराष्ट्र की जनता का दिल जीता और वहाँ अपनी पार्टी को स्थापित किया। तो आप ये निश्चित तौर पे माने कि कहीं ना कहीं अजीत पवार को भेजने के पीछे एक उनका कोई बड़ा ध्येय रहा होगा, और दूसरी तरफ उनको ये महसूस हुआ होगा कि शिवसेना के साथ हम अगर खड़े होंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे महाराष्ट्र में, तो शिवसेना भी यहाँ की लोकल पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है, और हम भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम अगर दोनों मिल जाएंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर चलेंगे महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ आएगी और हमको बीजेपी से अच्छा फायदा, बीजेपी से ज्यादा फायदा मिलेगा महाराष्ट्र में। लेकिन कांग्रेस इसमें मुखर रही, चूंकि कांग्रेस इसलिए मुखर रही वहाँ
कि बीजेपी और शिवसेना दोनों जो है एक जैसा दोनों का कार्य क्षेत्र रहा और हिंदू संगठन के नाम से ये प्रसिद्ध रहे, जो बीजेपी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थक रही, वो राष्ट्र के समर्थक रही और हिंदुत्व के समर्थक रही और शिवसेना भी रही जी। तो इन दोनों पार्टियों में समानता थी एक दूसरे के प्रति, इसलिए इनका गठबंधन अभी तक चला। पर ये कुर्सी का खेल ऐसा प्रदेश को बिगाड़ा कि दोनों को अलग होना पड़ा। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की भी आप सोचिए कि इतने अनुभवी नेता रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हों या वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहे हों या फडणवीस जी खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उन चीजों को ये समझना चाहिए कि हमारी जो परिस्थिति है वो हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए हमको इसको सरकार इनको बनाने देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये 4-6 महीने साल भर सरकारें चलती और कोई ना कोई बात विवाद होता, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को ये फायदा मिलता और ये सरकार बना सकते थे। परंतु अभी जो समय बीता है उसमें बीजेपी को काफी नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो हठधर्मिता की जो नहीं करनी चाहिए थी। अजीत पवार को ले आना, रातों रात मुख्यमंत्री बनना और कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में मैसेज गया कि बीजेपी भी कुर्सी के लालच में ये सब कार्य करने गई है, तो ये मैसेज गलत गया बीजेपी के लिए और इसको संघ जो है संघ कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सारे लोग मौन रहे और किसी कोई बड़े नेता का बयान नहीं आया महाराष्ट्र को लेकर, न तो प्रधानमंत्री कुछ बोले ना अमित शाह जी कुछ बोले, कि इन सब कारणों से बीजेपी को नुकसान दिखाई पड़ रहा है। रमेश शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है अब वहां पर चुनौती क्या होगी? देखिए, ऐसा तालमेल है कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी। एनसीपी ठीक है, एक दौर में कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, लेकिन शिवसेना वर्सेस कांग्रेस, हालांकि पहले गाये बगाये सपोर्ट किया है इन लोगों ने एक दूसरे को, लेकिन इस तरह से सरकार में शामिल नहीं हुए, तो क्या आपको लग रहा है? और ठाकरे का जो स्वभाव है एकदम बदला हुआ सा नजर आ रहा है। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि मैं अपने बड़े भाई से जाकर मिलूंगा या नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करूंगा, और उन्होंने कहा कि यदि वो ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। बल्कि यहां तक विश्वास दिलाया जनता को कि अब आप देखिएगा कि शिवसेना का राज कैसा होता है। फिर भी चैलेंज क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर इस समय तो राजनीतिक चैलेंज तो अब इस समय कुछ नहीं है। राजनीतिक चैलेंज अगर भाजपा सरकार बनाने के बजाय सीधी विपक्ष में बैठती तो राजनीतिक चैलेंज होता और भाजपा की इमेज बढ़ने की संभावना पूरी थी और शिवसेना से भी वोट टूटता और कांग्रेस से भी वोट टूटता, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी शिवसेना से अलायंस और शिवसेना का कार्यकर्ता कांग्रेस से अलायंस कभी पसंद नहीं करता, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों से कुछ ना कुछ टूटता, ये एक राजनीतिक चुनौती होती। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा है भाजपा के ऊपर, उससे ये राजनीतिक चुनौती अभी नहीं है। अभी आगे चल करके दो चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि जितनी तेजी से गठबंधन बना है और जैसा कि अभी उद्धव ठाकरे जी की तरफ से बराबर ही आ रहा है कि 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र में इस समय बिगड़ेगी। और अगर कांग्रेस का झगड़ा होगा भी शिवसेना से तो लाइन ऑर्डर को लेकर के होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो जो भी सारी गड़बड़ियां होती हैं, कानून के विरुद्ध गड़बड़ियां होती हैं, वो सीधी सीधी दो अंतरधाराएं हैं। एक अंतरधारा कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश करती है, यद्यपि मेरा ये कहना नहीं है कि कांग्रेस का उनको संरक्षण है, लेकिन वो कोशिश करती है कांग्रेस से जुड़ने की, एक अंतरधारा। और एक जो कानून तोड़ने की दूसरी अंतरधारा है वो शिवसेना से जुड़ने की कोशिश करती है, और शिवसेना का कार्यकर्ता इस मामले में काफी मुखर भी है। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति कहीं ना कहीं वहां पर लाइन ऑर्डर की स्थिति बनेगी और सरकार को इस पर कंट्रोल करना, ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती होगी और भाजपा को अपनी छवि को सुधारने की चुनौती होगी कि हमको अब अपनी छवि कैसे सुधारी जाना चाहिए। ये हमको अगले आने वाले 3-4 महीनों में ये वीर मनोज जी देखने को मिलेगी वहां। बिल्कुल प्रदीप, कैसे सुधार पाएंगे भाजपा अपनी छवि, क्योंकि ये कितना बड़ा राज्य था महाराष्ट्र, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि आरएसएस के नजदीक है, आरएसएस का गढ़ है महाराष्ट्र, और यदि वहीं स्थितियां बिगड़ जाती है तो फिर आने वाले दिनों में आपको बहुत चुनाव लड़ना है। झारखंड तत्काल आपके सामने अभी चुनाव होना है, तो झारखंड पर तो असर इसका पड़ेगा जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। लेकिन जी जी मनोज जी, अभी देखें आप, बीजेपी लगातार गलतियां करती जा रही है। आप गोवा का देखें, गोवा की स्थिति में ठीक है इनकी अनुकूल परिस्थिति बनी और गोवा के विधायक समर्थन कर दिए, टूट के आ गए, गोवा में सरकार बना लिए।
कई दो तीन प्रदेशों में इस तरह की स्थितियां नहीं, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश है और महाराष्ट्र में संघ का गढ़ माना जाता है जी जी जी। और संघ की विचारधारा ये कभी नहीं कहती है कि आप किसी तरह के इस तरह का हस्तक्षेप करो जिससे हमारी छवि और यह हिंदुत्व की छवि धूमिल हो जी जी। तो ये कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की कमी रही है और इनकी दृष्टिगत भूमिका भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है कि कुर्सी को लेकर लगातार तत्पर रहे और ये शिवसेना को मना नहीं पाए। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व शिवसेना के साथ बैठकर बातचीत करता तो ये हल इसका रास्ता निकल जाता, क्योंकि इतनी हद धर्मता के साथ शिवसेना भी पीछे नहीं जाती और वो कहीं ना कहीं साथ में मिलकर और ये सरकार बनाते और इनको दोनों को फायदा होता जी। और महाराष्ट्र की जनता ये भी चाहती थी, क्योंकि जनादेश तो निश्चित तौर पर बीजेपी को मिला है, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर महाराष्ट्र में आई है और शिवसेना उसके सहयोगी दल रहे, तो अगर ये दोनों एक साथ बैठ के और शीर्ष नेतृत्व इनका बात करता तो मुझे लगता है कि बात बन जाती। पर अब बीजेपी को वहां मुश्किल होगी, क्योंकि ये तीनों दल जो तीनों घोर विरोधी रहे हैं, एक आप राष्ट्रवादी कांग्रेस को देखें, कांग्रेस को देखें और शिवसेना को, तो तीनों अलग अलग, तीनों के रास्ते अलग थे बिल्कुल। पर महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के चलना चाह रही थी, अब उन्होंने शिवसेना को भी साध लिया है, तो शिवसेना के साधने के बाद ये तीनों मजबूत हो गए हैं महाराष्ट्र में। अब बीजेपी को वहां नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की अपनी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध रही, इसलिए वहां बीजेपी को नए तरीके से वहां फिर से अपने को उभारने के लिए, अपने छवि बनाने के लिए कुछ अच्छा कार्य करना पड़ेगा और इनका शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना पड़ेगा कि अब ठोस कदम उठाए और इस तरह के बचकानी हरकतों से बचे। चौकसी जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? अब तो ठाकरे राज की शुरुआत होने जा रही है, शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे। आप लोग ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो गया, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या चैलेंजेस वहां दिखाई दे रहे हैं? और बड़ा भाई की बात कही उन्होंने, कहा है उद्धव ठाकरे जी, निकल के मैं जाऊंगा दिल्ली, बड़े भाई यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करूंगा। तो क्या अभी भी कोई रास्ता ऐसा चल रहा है बीच में कि संबंध मधुर बनते रहे, जो होना था सो हो गया, तो कोई रास्ता ढूंढा जाएगा या बिल्कुल दो अलग धाराएं हो गई? सबसे पहले परम सरदेश सरसेनापति हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की सत्सत को नमन उनके चरणों में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शिवसैनिक भाइयों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि विगत 24 वर्षों बाद हम सरकार में आए हैं और जी मजबूती के साथ हम इस सरकार का संचालन करेंगे। जैसा कि अभी हमने समय लिया कांग्रेस एनसीपी के साथ में, हमने काफ़ी लंबा वार्तालाप हुई हमारी, जो जिसका कुछ लोगों ने मखौल उड़ाया, और जहां तक माननीय साहब ने बोला है कि हम नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, क्योंकि उन्हें आप देखिए उन्होंने बोला है कि वो हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते मिलेंगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने उनके लिए आशीर्वाद दिया था और एक समय ये था कि बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से ही ये मुख्यमंत्री गुजरात के बने रहे थे, जिस समय पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और लालकेश अडवाणी क्या नेतृत्व भाजपा पे होता था, आज तो वो पोस्टर और बैनर से भी गायब हैं। लेकिन उनको साहब ने ही बोला था कि गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ही रहने दो, उस नाते वो एक हमारे जो उनसे रिलेशन है, वो हिंदुत्व के जो रिलेशन है, केवल उसी के साथ में हम साहब वहां जाएंगे। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है कि हिंदुत्व के रिलेशन है, अब रिलेशन कांग्रेस के साथ है आप? नहीं, वो हमारे राजनीतिक रिलेशन की बात अलग है, हिंदुत्व की रिलेशन की बात अलग है, चूंकि वो बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से आज इस जगह पे पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं वो मानते भी है इस बात को, तो उस रिलेशन से साहब ने बोला है कि वो हमारे बड़े भाई हैं, जबकि साहब ने उनको अपने पुत्र की उपाधि भी दी थी जी। तो वो बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते साहब उनसे मिलने जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, लेकिन जो नया छोटा भाई आपका जुड़ा है कांग्रेस, जिसके साथ आप कह रहे हैं, आप बात हिंदुत्व की कर रहे हैं, तो आगे चलकर क्या यही सब हिंदुत्व का जो मुद्दा है, अब ये सब आप दरकिनार कर देंगे? नहीं 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 जी, जहां तक कांग्रेस ने ये बात की थी कि हिंदुत्व के एजेंडे को शिवसेना को छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे शिवसेना नेता माननीय संजय राउत जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुत्व के साथ ही हम रहेंगे, हिंदुत्व का एजेंडा हम कभी नहीं छोड़ सकते, हिंदुत्व को लेके ही हम शिवसेना आगे बढ़ी है, तो हिंदुत्व हमारा एजेंडा है और जो जिसको हमारे भगवा के नीचे आना है स्वागत है,
वो आए हमारे भगवा के नीचे, हिंदुत्व की बात करें, हिंदुत्व का काम करें, हम सबका स्वागत करते हैं। जी जी रमेश शर्मा जी, यही मुख्य बात है जो चौकसी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के झंडे के नीचे जिसको आना आ जाए। अब झंडे के नीचे तो आ गए, लेकिन क्या ये झंडे के नीचे सब साथ चलते रहेंगे? हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है किसी चुनाव में। हम तो चाहते हैं कि पाँच साल पूरा सरकार करे, और करेगी भी जिस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तैयार हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जिसे लेकर शिवसेना की एक पहचान होती, ये आगे चलकर कहीं कुछ हल्का फुल्का कुछ देखने को मिलेगा? अभी कहा जरूर है हमारे चौकसी जी ने जो शिवसेना के हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें हिंदुत्व के एजेंडे को पीछे रखने की बात आई है और सेकुलरिज्म के एजेंडे को आगे रखने की बात आई है। और उसमें ये आया है मिनिमम प्रोग्राम में जो आया है कि हिंदुत्व का एजेंडा सरकार में नहीं रहेगा। हिंदुत्व का एजेंडा अगर पार्टी का रहता तो बना रहे, सरकार में जो मिनिमम प्रोग्राम रहेगा वो सेकुलरिज्म के आधार पर रहेगा। और इसी आधार पर फिर शिवसेना तैयार हुई और इस आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो ये जो मिनिमम प्रोग्राम आ रहा है, ये मिनिमम प्रोग्राम एक आध दिन में और सारा डिटेल में सब अखबारों में आएगा। तो सरकार में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं रहेगा, पार्टी के अपने बैनर पर अपने निजी कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में वो एजेंडा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी आगे चल करके अभी देखा जाएगा। अभी इस तरीके से अपन इस पर आकलन करें वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस अधीरता के साथ कुछ भी हो, जिस अधीरता के साथ शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद पर जोर देकर के कांग्रेस से अलायंस किया है, ये अधीरता थोड़ा सा अभी इस पर आकलन करने में अपन को समय लगेगा। आने वाले वक्त में देखेंगे कि शिवसेना का एटीट्यूड इस पर क्या रहता है और कांग्रेस उस पर क्या रिएक्ट करती है। ये मैं समझता हूँ थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगी। प्रदीप जी, यही बात है, देखिए कार्यकर्ता को आप नहीं रोक सकते। कार्यकर्ता का अपना मन है, वो जानता है कि हम किस पार्टी के कार्यकर्ता है। और आगे यही सब चीजें, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम यही चाह रहे हैं कि सरकार चलना चाहिए, और सरकार चलेगी भी, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से सामने नरेंद्र मोदी है, सामने अमित शाह है, और शायद सबको मिलके ये बताना है कि हम भी एक हो सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर समझ आ रही, क्या राजनीति अब बदल गई? बिल्कुल, ये परिदृश्य बदल इसलिए गया है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा था, क्योंकि शिवसेना जो है हमेशा हिंदुत्व की वकालत करती रही है। आप देखें राम मंदिर के मुद्दे में कई बार उद्धव ठाकरे बोले, और इसीलिए बीजेपी के साथ उनका अलायंस भी था, क्योंकि अगर बीजेपी कोई मुद्दे को लेकर अगर कोई बात कहती थी तो सबसे पहले आप देखेंगे सामना में सवाल खड़े होते थे। तो ये कहीं ना कहीं शिवसेना को पीछे ले जाएगा, और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, इन दोनों का प्रोग्राम सरकार में चलेगा। वो रही बात हिंदुत्व की, तो पार्टी हिंदुत्व के सहारे तो चलेगी महाराष्ट्र में, लेकिन उनका खुद का ही एनालिसिस होगा, उनके वो दूसरे के ऊपर ये लागू नहीं कि सरकार में ये प्रोग्राम नहीं आएगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि सरकार जो है वो सेकुलरिज्म को आगे करके चलेगी, क्योंकि सरकार को तो सबको लेके चलना है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस भी उसमें है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें है, तो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के इनको चलना पड़ेगा, तभी ये सफल हो पाएंगे पांच साल, अन्यथा इनके इनके उसमें भी विखंडन होने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि विचारधारा तीनों की एक नहीं है, तो विचारधारा कहीं ना कहीं भिन्न है तीनों की, इसलिए इनको एक प्रोग्राम पहले से बनाना। और हमको लगता है कई बार ये शीर्ष नेता इनके बैठ चुके हैं और इन बातों को तय कर चुके हैं, तो आने वाले समय में और कुछ तय करना बकाया है, और वो सरकार बनने के बाद मुझे लगता है तय हो जाएगा। चौकसी जी, अंतिम कमेंट्स आपसे चाहूंगा, चैलेंज क्या देख रहे हैं? अब तो सरकार आपकी बनने जा रही है, बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में शिवसेना के, आप भी मुंबई जा रहे हैं शपथ में शामिल होने, आपके चेहरे का नूर दिखा रहा है कि आप लोग कितने खुश हैं। लेकिन कई बार अत्यधिक खुशी होना भी चाहिए। ये स्मरणीय पल है हमारे लिए, और ये पल हम लोग बहुत समय, एक लंबे अंतराल से हम लोग इसको देख रहे थे, समय से देख रहे थे कैसा भी समय आएगा। और जहाँ तक मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के शिवसैनिक बहुत अति उत्साहित हैं और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता वहां जा भी रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, तो हम वो एक बहुत मजबूती के साथ में हम महाराष्ट्र की सरकार को चलाएंगे। और जहां तक ये बात है कि कांग्रेस का एजेंडा अलग है, विचारधाराएं अलग हैं, हमारी हिंदुत्व की विचारधाराएं अलग हैं, हम अपने हमारे हम पड़ोसी हैं, तीन पड़ोसी हैं, क्रिश्चियन है, मोहम्मदंस है और हिंदू हैं, तो ये थोड़ी ना है कि हम एक दूसरे के धर्म को मानना, आप नहीं मानो, वो कहें उनको नहीं मानो, भाई अपना अपना सब मानो। हम हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाले हैं, हम हिंदुत्व के एजेंडे पे चलेंगे, आप जिस एजेंडे पे चलते हो उस पे चलो, लेकिन सरकार में ये नहीं चलेगा, ये बात की बात हुई है। तो हम लोग अपने उस पे अड़िग हैं, हमें केवल महाराष्ट्र की जनता ने हमें
सम्मान दिया है, महाराष्ट्र की जनता ने हमारे लिए समर्थन दिया है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। जो वहाँ का किसान आज पीड़ित है, उस किसान की समस्याएं दूर करना चाहते हैं। हम केवल जनता की सेवा के लिए वहाँ पर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। जी आप कुछ कह, जी जी कहिए। कांग्रेस का एक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने जिस तरीके से 1968 में चरण सिंह की सरकार को रोकने के लिए किसी को सपोर्ट किया, वो सरकार पूरी नहीं चली। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने गोविंद नारायण की सरकार गिराई, संबित की, फिर 77 में उन्होंने चरण सिंह को सपोर्ट करके मुरारजी की सरकार गिराई, फिर आगे चल करके उन्होंने देवगौड़ा को और चंद्रशेखर को समर्थन दे करके भाजपा को रोकने के लिए सरकार गिराई। कांग्रेस ने कभी भी अलायंस की सरकार पूरी नहीं चलाई है, ये अब तक का तो रिकॉर्ड रहा है। अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र में क्या होता है। चलिए, यूपीए जरूर चला है, यूपीए में जरूर एक साथ मिलकर चले हैं, लेकिन वो लीड कर रहे थे इसलिए चला है, वो लीड कर रहे थे। जी जी जी, यहाँ कांग्रेस लीड नहीं कर रही। लीड जहाँ जहाँ किया, जी लीड जहाँ कांग्रेस ने किया है वो चला है, आपका कहने का मकसद ये। जी चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश शर्मा जी आप मेरे साथ जुड़े, प्रदीप जी आप जुड़े और चौकसे साहब आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं नई सरकार के सामने। पर अब ये कहा जाएगा कि महाराष्ट्र में राज होगा तो ठाकरे का राज होगा। हालांकि एक राज और थे, वो अभी समझ नहीं आ रहा है कहाँ है, वो भी ठाकरे परिवार से जुड़े हुए थे, हो सकता है आने वाले दिनों में उनके दर्शन भी होंगे। लेकिन ये एक ऐसा मेल है जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि अब भारत एक नई दिशा में बढ़ रहा, भारत एक नए परिदृश्य में सामने नजर आ रहा, राजनीति का परिदृश्य भी बदल गया। जो कभी घोर विरोधी हुआ करते थे, अब वो सब एक मंच पर है। उम्मीद तो यही है कि सब यदि इस तरह मिल जाएंगे तो जो बात बार बार कही जाती रही, भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती रही, गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती रही है, ये सब देखने को मिलने लगेगा। और जब बहुत विवाद गरमाते हैं, बहुत विवाद गहराते हैं, तो धीरे धीरे चलकर विवाद कम भी होते हैं, और शायद ये उसकी शुरुआत है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।